एपिसोड की शुरुआत के साथ ही हमें दिखाया जाता है एक सिटी का सीन, जिसके अंदर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्रिमसन नाम के एक बहुत बड़े असैसिन को एक बार्बर ने मार दिया है और कितनी मजाक की बात है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बड़ा सा बंदा अचानक से खून की उल्टी करने लगता है और उसके साथ ही वो उसी जगह पर गिर के मर जाता है। और अगले सीन में उसके साइड में जो दोस्त बैठे हुए थे वो सभी लोग अचानक से वहाँ पर मारे जाते हैं किसी के हमले करने की वजह से। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़की उन तीनों को मार देती है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था सेबिन का दुकान का सीन, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया था और वो कहने लगता है कि मुझे इससे भी इस फोटो के जैसे बाल काटना है। और तभी सेबिन उस चीज़ को देख के बहुत ही शौक रहता है और वो कहने लगता है कि मुझसे जितना बन पाएगा मैं उतना करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया था वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल चमकीले बालों के साथ दुकान के अंदर से निकलता है। और अगले सीन वहाँ पर एंट्री होती है हमारी कोला की और कहती है क्या तुम मेरे साथ खेलने जाओगे। और वो सोच रहे थे कि हर टाइम की तरह सेवन मना कर देगा, लेकिन तभी सेवन कहते हैं बिल्कुल मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ। और अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर कोला स्केटिंग कर रही होती है और उस टाइम पर सेवन उसको चीयर अप कर रहा होता है और इसके साथ ही वो दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से मजे करते हैं। और अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर हमारी कोला कहती है अगली बार मैं स्केटबोर्ड के साथ जंप करूँगी और उस टाइम पर तुम मुझे एक अच्छे से कोल्ड ड्रिंक पिलाना। और तभी वो दोनों प्रॉमिस करते हैं और उसके बाद कोला वहाँ से जाने लगती है। और उसके बाद कोला का बॉडीगार्ड तुम बोल सकते हो जो लिजर्ड था उसको कहने लगता है कि तुम हमेशा कोला को प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद वो कोला और वो लिजर्ड मैन वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया था असैसिन गिल्ड का सीन, जहाँ पर एक लड़की कुछ बाउंटी चेंज कर रही होती है और उसके साथ ही हमें दिखाया था वहाँ का जो लीडर होता है और कहता है कि सबको बोल दो कि उस बार्बर को जाके मार के आए। अगले सीन में एक बूढ़ी अम्मा कहीं पर जाने की कोशिश कर रही थी और तभी वहाँ पर एक बंदा उस बूढ़ी अम्मा को मारने के लिए बैठा हुआ था और उसके साथ ही वहीं पर ही हमारा सेवन उसके हथियार को अपने सीजर की जरिए से काट देता है। और तभी वो बंदा उस चीज़ को देख के बहुत ही शौक रहता है। और अगले सीन में अचानक से उस बंदे को हमारा सेवन किक करके बाहर निकालता है और तभी सेवन कहता है कि तुम सच सच बताओ तुमने यहाँ पर क्यों आए हो। और तभी वो बंदा उसको देख के बहुत ही घबरा जाता है और आखिर में एक बच्चे को निशाना बनाता है अपने हथियार से। और उस टाइम पर हमारा सेवन उस बच्चे को बचाने के लिए अपने सीजर से उस हथियार के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी वो हथियार टूट जाता है लेकिन उसका एक हिस्सा उस बच्चे को जाके लगता है। और इसी मौके को देखते हुए वो जो असैसिन आया था उनको मारने के लिए वो वहाँ से चला जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर सेवन एक जगह पर जाके मीट बॉल खरीदने लगता है और उस टाइम पर वो जो बेल था वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर। और उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों ही वहाँ पर मीट बॉल खा रहे होते हैं। और अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर सेवन फास्ट फूड की दुकान चला रहा होता है। और उसके बाद अगले सीन में उसको हमारे 13 और फोनिक्स वो दोनों ही देख रहे होते हैं और तभी फोनिक्स कहने लगता है कि इस आइलैंड के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है। और हमें अगले सीन में दिखा था जहाँ पर सेवन डायबो के इलाज के लिए डॉक्टर को पैसे दे रहा होता है और वो कहता है कि तुम सब लोग जल्दी ठीक हो जाओगे। और हमें अगले सीन में दिखा था जहाँ पर वो बार्बर्स जो स्टाइलिश बार्बर थे वो कुछ काम कर रहे थे और तभी एक असैसिन उनके ऊपर नज़र रख रहा था और अगले सीन में वो असैसिन उनको मारने की कोशिश कर रहा था। और उसके साथ ही हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर हमारा सेवन कहता है ओए अभी दुकान बंद हो चुका है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उस टाइम पर वो असैसिन उसके ऊपर हमला करता है जिसको देखते हुए हमारा सेवन अपने शर्ट के वजह से उसको डॉज करने लगता है और कहता है मेरे सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। और तभी वो असैसिन लगातार उसके ऊपर हमला करने लगता है और सेवन किसी भी तरीके से उससे बचने की कोशिश करता है। और अगले सीन में सेवन बहुत ही गुस्से में चला आता है और उसके साथ ही वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने सीजर के जरिए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और उसके साथ ही उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है उसके हमले के जरिए। और उस टाइम पर सेवन अचानक से उसके पास चला आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है जिसको देखते हुए वो असैसिन अपने मुंह से एसिड फायर करने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पर हमारा जो सेवन था उसके मुंह पे किक मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह पे जितने भी सारे एसिड थे वो आसमान में जाके एक फटाके की तरह फटने लगते हैं जिसको देखते हुए उन बार्बर को लगता है कि शायद कोई फटाके फोड़ रहा है। और अगले सीन में हमारा सेवन इन सब चीज़ों को देख के बहुत ही खुश लग रहा था। और उसके बाद हमें उसके पीछे का सीन दिखाया जाता है कि जो कि बहुत ही बुरे हालत में था और उस टाइम पर सेवन अपने पॉकेट से असैसिन बैच निकाल कर देखने लगता है और वो कहता है कि
अभी मुझे इस आइलैंड को छोड़ के जाना पड़ेगा। और वो कहता है कि यदि मैं इस आइलैंड पर रहूँगा तो मेरे दोस्तों को खतरा हो सकता है। और अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर वो अपने रूम के अंदर जाता है और कुछ ढूंढने लगता है। और उसी टाइम पर बहुत सारे असासीन मिलकर चिकन आइलैंड के ऊपर हमला करने का प्लान कर रहे होते हैं। और उस टाइम पर सेवन कहने लगता है मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और उसके बाद वो अपने पुराने असासीन वाले कपड़े को पहन लेता है और आखिरी में कहता है कि मुझे अभी अपने काम को करने के लिए जाना पड़ेगा। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया था वहाँ पर एक बंदा आके तोड़फोड़ कर रहा था। और उस टाइम पर वो बंदा अपने सामने सेवन को देख के बहुत ही शौक रहता है। और तभी सेवन कहता है कि जाओ अपने लीडर को बता दो कि मैं उसको मारने के लिए आ रहा हूँ। और तभी ये सब चीज़ें एक डॉग के जरिए देखने लगे थे। और उसके बाद हमें दिखा था जहाँ पर इसके बारे में हेडक्वार्टर में खबर लग जाती है। और उसके साथ ही वो सारे असासीन को कहते हैं कि तुम सब लोग पीछे हट जाओ। और उसके बाद हमारा सेवन असासीन के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया था उनके लीडर का सीन जो कहता है कि सेवन को किसी भी हालत में मारना पड़ेगा। और उसके बाद उनका कैसल का सीन दिखाया जाता है। और उनके कैसल के पास ही एक बंदा या एक किलर या असासीन वो मेडिटेशन कर रहा होता है। और अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर हमारे सेवन कहीं पर भागते हुए जाने लगता है। और इसके साथ ही उसके पीछा बहुत सारे असासीन कर रहे होते हैं। और उस टाइम पर एक असासीन उसके ऊपर एक बॉल से हमला करता है जिससे सेवन बचने लगता है। और आखिर में एक जगह पर आकर रुक जाता है और वह अपने सामने दूसरे असासीन को नोटिस करता है जो कि उसको मारने के लिए आया था। और उसके साथ ही वो असासीन उसके ऊपर हमला करता है लेकिन सेवन उसके सारे अट्टा को डॉज कर रहा होता है। और उस टाइम पर उसके सामने एक और लड़की आके खड़ी हुई रहती है और अपने छाता खोलती है। और उसके साथ ही एक दूसरा असासीन उनके ऊपर तीरों से हमला करता है जिसकी वजह से वहाँ पर तीरों की बारिश हो रही होती है। और तभी हमारे सेवन के सामने एक तीर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है और उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। असल में ये सब चीज़ें हमारे डाइवो मतलब सपने में देख रहा होता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए डाइवो भागते हुए सेवन के पास जाने लगता है। और अगले सीन वहाँ पर असल में मीटबॉल शॉप में सब लोग कुछ चीज़ों को देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है डाइवो की और कहता है कि तुम लोग क्या देख रहे हो। और द डाइवो नोटिस करता है कि सेवन को मारने के लिए सबसे हाईएस्ट पैसा दिया गया है। इस चीज़ को देखते हुए डाइवो कहने लगता है क्या ये सब सच था। और हमें अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर डाइवो सेवन के रूम में जाने लगता है। और उसके बाद वो नोटिस करता है कि असासीन वाला जो कपड़ा था वहाँ पर नहीं है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया था पास्ट का बारे में जहाँ पर सेवन कह रहा होता है ये क्या बेकार सा फैशन वाला कपड़ा है। और उस टाइम पर डाइवो कहता है कि जो भी उसको पहन लो। और उसके बाद डाइवो कहता है कि हमें अभी जाना है, अभी हमारा मीट बॉल का शॉप लगने वाला है। उसके वजह से हमारा सेवन जो होता है वो फास्ट फूड का शॉप लगाने जाता है। और तभी डाइवो एक चीज़ को नोटिस करता है, जो डॉक्टर था उसके पास कुछ हीरा वगैरह था जहाँ पर डाइवो उसका पीछा करने लगता है। और तभी जहाँ पर डॉक्टर अपने घर में चला आता है और इसको देखते हुए डाइवो नोटिस करता है कि उस डॉक्टर के पास एक हीरा है। और तभी इस चीज़ को देखने के बाद डाइवो लिटरली शॉक हो जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सेवन खाना बेच रहा होता है और तभी एक बच्चा कहता है कि मुझे डॉली चाय वाले की तरह करतब करके दिखाओ। और उस टाइम पर सेवन इस चीज़ को देख के बहुत ही शॉक था और तभी डाइवो आके उस बच्चे को मार के दूर फेंकता है। और उसके बाद वो कहने लगता है सेवन मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, असल में मुझे एक बीमारी है जिसका एंटीडोट डॉक्टर के पास है लेकिन वो बिना पैसों के नहीं करेगा। और वो कहने लगता है वो एंटीडोट इस जगह पे है। और उस टाइम पर हमारे सेवन एक बक्से को देखता है और तभी डाइवो खड़ा होकर कहने लगता है कि मुझे बचाने के लिए उस बक्से को चोरी करना पड़ेगा। और अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर वो दोनों मिलके मतलब डॉक्टर के घर चोरी करने के लिए गए थे। और उसके बाद वो दोनों ही डॉक्टर के घर में एक छोटा छेद करते हैं जिसके जरिए वहाँ पर वो दोनों स्लीपिंग गैस को इंजेक्ट करते हैं। और अगले सीन में दिखाया था हमारे सेवन अंदर जाता है उस एंटीडोट को चोरी करने के लिए। और उस टाइम पर वो इधर उधर ढूंढने लगता है उस बक्से को लेकिन उसको कोई भी नहीं मिलता। और आखिर में वो एक ड्रॉअर को खोलता है और उसी टाइम पे वो नोटिस करता है कि वहां पर एक सीक्रेट दरवाजा था जिसके वजह से वो नीचे गिरता है। और अगले सीन में हमारे सेवन आसपास नोटिस करता है कि आसपास असल में क्या चीज़ है। और वो देखता है कि आसपास बहुत सारे एंटीडोट और बहुत सारे किडनी वगैरह थे। और उस टाइम पर वो कहने लगता है कि ये सब क्या है, ये सब कैसी जगह है।
और हमें अगले सीन में दिखा था जहाँ पर सेवन एक जगह पर आके एक चीज़ को नोटिस करता है और वहाँ पर लिखा हुआ था कि असल में मेसो सूप के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वहाँ पर डाले, और तभी सेवन को कुछ समझ तो नहीं आ रहा होता है। और उस टाइम पर हमें दिखाया था सेवन की दो साइड में जो दीवार थे वो उसको क्रश करने वाले थे, और तभी सेवन समझ जाता है कि इस दीवार को रोकने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर डालना पड़ेगा। और तभी उसको याद आता है कि जब वो एक दुकान में कुछ सामान लाने गया था उस टाइम पर एक औरत टीवी पे मेसो सूप कैसे बनाती है उसके इंग्रेडिएंट दिखा रही होती है। इसको देखते हुए सेवन समझ जाता है, और अगले सीन में दिखा जहाँ पर सेवन मेसो सूप के सारे इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने लगता है और आखिरी में वो सारे इंग्रेडिएंट्स को सही वजन के हिसाब से तोलने लगता है, और बस थोड़ा ही टाइम था वो चीज़ रुक जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाए जहाँ पर सेवन कहता है कि ये तो बहुत ही आसान था, और अगले सीन में दिखाया जाए तभी अचानक से सेवन के ऊपर हमला होता है और तभी सेवन नीचे जाकर गिरता है और कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। और हमें अगले सीन में दिखाया जाए उस टाइम पर सेवन सारे हमले को एक एक करके डॉज करने लगता है, और वो डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगता है उस बक्से को लाने के लिए। और उसके बाद सेवन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो डॉक्टर कुछ काम कर रहा था, और तभी वो नोटिस करता है कि असल में डॉक्टर एक बहुत ही हाई लेवल चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। और अगले सीन में हमारा डायबॉस का वेट कर रहा था और वो सोचने लगता है कि शायद से सेवन उस डायमंड को लेके भाग चुका है। इसको सोचते हुए वो घर के अंदर आता है और इधर उधर ढूंढने लगता है, और तभी वो नोटिस करता है उसके पैरों के नीचे एक सीक्रेट डोर खोल चुका है। और उसके बाद हमें दिखाया था सेवन उस डॉक्टर से कैसे वो बक्सा ले उसको देख रहा होता है और कहता है कि वो बक्सा उसके बिल्कुल साइड पे है। और उस टाइम पर एंट्री होती है डाइबो की, और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर ऊपर से आया हूँ। और अगले सीन में हमारे सेवन उस बक्से को लाने के लिए जोरों से भागने लगता है उस डॉक्टर की तरफ, और तभी वो बस बक्से के पास पहुँचने वाला होता है लेकिन डॉक्टर अपने ट्रैप के हिसाब से उसके ऊपर हमला करता है, और उसके साथ ही वहाँ पर उसका जो कैनन मशीन था उसके जरिए भी एक फायर ब्लास्ट करता है जो कि लिटरली यार बहुत धमाकेदार और बहुत बड़ा था। जिसको देखते हुए हमारा डाइबो बहुत ही शौक रहता है और अपने छोटे से पंखों के जरिए वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, और वो ऊपर आने के बाद सोचता है कि उसने गलती की है सेवन को वहाँ पर भेज के, और उसके बाद वो सेवन को बचाने के लिए नीचे जाता है। और उसी टाइम पर सेवन उड़ते हुए उसके ऊपर आगे गिरता है, और उस टाइम पर डाइबो कहता है चलो वापस चलते हैं, लेकिन सेवन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था उस एंटीडोट को लेके रहूँगा। और उसके बाद वो एंटीडोट को लेने की कोशिश करने लगता है, और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो उसके पास पहुँचने वाला होता है लेकिन फिर से डॉक्टर उसके ऊपर लगातार हमला करने लगता है फायर ब्लास्ट के जरिए। और उसके साथ ही हमें दिखाता है हमारे सेवन सारे हमलों से बहुत ही आसानी से या बहुत ही मुश्किल से बोल सकते बचते हुए जा रहा होता है, और उसके सारे हमले को डॉज कर रहा होता है। और उसके साथ ही वो अपने सीजर के जरिए उस डॉक्टर के हाथों से उस रिमोट को गिरा देता है, और वो कहता है कि अभी फायर ब्लास्ट नहीं होगा। और उसके बाद उस बक्से को लाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ के सारे ट्रैप एक्टिव हो जाते हैं, और उसके साथ ही सेवन बस उस बक्से के पास पहुँच ही गया था लेकिन उस टाइम पर सेवन के ऊपर उस ट्रैप के जरिए हमला होता है और सेवन उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद ये सब चीज़ें डाइबो अपनी कहानी में कह रहा था कि कैसे वो सेवन से मिला और कैसे सेवन के साथ उसकी दोस्ती यारी बढ़ गई थी। और हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ जहाँ पर सेवन एक मछली बन के दूसरी मछली से रास्ता पूछ रहा था, और उसके बहाने वो उस मछली को बस खा नहीं पा रहा था अपने सीजर के जरिए, लेकिन तभी सेवन के पीछे एक दूसरी बड़ी मछली चली आती है जिसको देखते हुए हमारे सेवन उस बड़ी मछली को मार के खाने लगता है। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और सेवन अपने सामने एक बहुत बड़ा सा आइलैंड देखता है, और उसके साथ ही वो अपने सीजर को यूज़ करते हुए उस आइलैंड की तरफ जाने लगता है, और वो अपने सामने नोटिस करता है कि वो आइलैंड तो कोई अलग ही आइलैंड में आ चुका है क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ सेवन को स्वागत करती है। और उसके साथ ही सेवन देखता है कि उस आइलैंड का नाम है डॉली। और अगले सीन में जहाँ पर सेवन इस चीज़ को देख के कहता है कि ये तो स्वानफू आइलैंड नहीं है, और तभी वो कहने लगता है कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ से मुझसे, और तभी लड़की उसको कोकोनट ऑफर करती है जिसको पीते ही हमारे सेवन का सिर चकराने लगता है। और उस टाइम पर जो सारी लड़कियाँ थी अपने मुखौटे उतारती है और थोड़ी सी दिखने में अगली लग रही होती है, जिसको देखते हुए हमारा सेवन लिटरली बेहोश हो जाता है।
और उसके बाद सेवन अपने होश में चला आता है और वह नोटिस करता है कि वो असल में एक जेल के पिंजरे में बंद है और वह कहने लगता है कि मुझे यहाँ से निकालो। और तभी बिल्ली कहने लगती है कि ये सब यूजलेस है, तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। और तभी सेवन कहता है कि तो हम लोग यहाँ से निकले कैसे। और उस टाइम पर कैट कहती है असल में तुम्हें इस जनरेशन के जितने भी सारे लड़कियों में से एक लड़की के साथ शादी करना पड़ेगा। इस चीज़ को देखते हुए बेल बहुत ही शौक में रहता है और कहता है कि मेरी वर्जिनिटी को मैं कहाँ पर यूज़ करूँ, ये मेरी मर्जी है। और उस टाइम पर वो कैट का दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ के किंग को तुम्हें मारना पड़ेगा। और उसके बाद सेवन कहता है कि शायद से वो जो किंग होगा बस से पावरफुल होगा। और उस टाइम पर एक आदमी आता है और कहता है कि क्या तुम मेरी प्रिंसेस जैसी बेटी के साथ शादी करना चाहोगे। और उसके साथ सेवन उसको देखते हुए कहने लगता है आपकी बेटी प्रिंसेस है, इस वजह से आपको किसी किंग या किसी प्रिंस को ढूंढना चाहिए। और तभी एक बंदे को मारने के लिए ले जाया जा रहा होता है। और उस टाइम पर वो जो बंदा था वो कहता है कि ये बंदा कुछ टाइम पहले ऐसा दिख रहा था, लेकिन जब से इस आइलैंड पे एक हैंडसम किंग आया है तब से सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। और वो कहता है कि वो अपने मिरर के जरिए किसी भी बंदों के ऊपर अपने मैजिक को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी भी मतलब उसी की तरह या कुछ अगली टाइप दिखने लगता है। और उसके अगले सीन में दिखा जाता है। इस बात को सुन के हमारा सेवन बहुत ही शौक में चला आता है, ये कैसी पावर है। और तभी सेवन कहता है मुझे लगता है कि मैं उस बंदे को हरा नहीं पाऊंगा। और उस टाइम पर वो किंग कहता है तो साय से तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा। इस बात को सुन के वो बहुत ही शौक में था। और उस टाइम पर एंट्री होती है डाइबो और साउफी की, जो कि वो भी पकड़े गए थे उस आइलैंड के थ्रू। और उस टाइम पे वो सभी लोग एक जगह पर बैठ के शोक मना रहे होते हैं। और उस टाइम पर डाइबो कहता है कि चलो हम लोग चल के उस मतलब हैंडसम किंग को मार के आते हैं। और उसके बाद हमारा जो डाइबो होता है वो एक गिटार में बदल जाता है। और उसके साथ ही वो सब लोग मिल के हैंडसम किंग को मारने जाते हैं। और उसके बाद पहले वो सिपाही को मारते हैं जो कि उसको गार्ड कर रहे थे। और उसके बाद वो सभी लोग अंदर को जाते हैं। और उस टाइम पर हमें दिखाया जाता है हैंडसम किंग का फेस, जो कि नॉर्मल लोगों की तरह ही था। और उस टाइम पर उसको देखने के बाद वो सभी लोग लिटरल यार बहुत ज़्यादा अजीब फेस बनाने लगते हैं। और वो बंदा कहता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। और उसके साथ ही सेवन कहता है हम लोग अपने प्लान को फॉलो करेंगे। और उसके साथ ही हमारा डाइबो गिटार में चेंज हो जाता है। और उस टाइम पर हैंडसम किंग अपने मिरर के जरिए सेवन के ऊपर लगातार हमला करने लगता है। और उसके साथ ही सेवन सारे हमलों से बचता है, लेकिन एक हमला जाके उस कैट को लगता है, जिसकी वजह से कैट का जो फेस होता है वो उस किंग की तरह हो जाता है। और उसके साथ ही हमारा सेवन अपने सीजर की मदद से उसके ऊपर हमला करता है। और तभी एक म्यूजिक की धुन आके उसके हमले को नलीफाई कर देता है। और उस टाइम पर सेवन नोटिस करता है और वो देखता है कि असल में वो हमला उस कैट ने किया था। और वो कैट कहता है मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और उस टाइम पर डाइबो गिटार से चेंज होकर कहने लगता है कि जो भी इस हमले का शिकार होता है तो वो उस हैंडसम किंग का कठपुतली बन जाता है। और अगले सीन में वो फिर से उसी गिटार के रूप में चेंज हो जाता है। और उस टाइम पर हमारा सेवन कहता है तो ऐसी बात है, तुम्हारे पास ऐसी भी शक्तियाँ हैं। और उस टाइम पर हमारा जो कैट था वो सेवन के ऊपर हमला करने लगता है। और वो जो हमला होता है वो सीधा जाके सेवन को हिट करता है, मतलब वो सेवन को पकड़ लेता है। और अगले सीन में वो हैंडसम किंग सेवन के ऊपर उस चीज़ को यूज करने वाला था। और तभी हमारे सेवन उसके सारे हमलों को डॉज करते हैं इधर उधर कूद के। और उस टाइम पर अचानक से वो मिरर टूट जाता है और हमें दिखाया जाता है असल में डाइबो एक बंदूक की गोली से उस मिरर को तोड़ देता है। और उसके साथ ही सेवन कहता है गुड जॉब डाइबो, तुमने अच्छा काम किया। और उसी टाइम पर डाइबो सेवन को फ्री करने के लिए उसके ऊपर गोली शूट करता है, लेकिन वो गोली रस्सी पे नहीं लगता, सीधा जाके सेवन पे लगता है। और उस टाइम पर सेवन कहता है कि अगली बार तुम पास आके गोली चलाना। और अगले सीन में दिखाया जाता है इस चीज़ को देखने के बाद हैंडसम किंग बहुत ही शौक रहता है और कहता है कि देखो मेरे पास ऐसा मिरर है कि जो कि किसी भी डायरेक्शन पे तुम पे हमला कर सकता है और ये मेरे फेस के जरिए हमला करेगा। और उस टाइम पर वो कहता है कि ये सबसे बेस्ट मिरर है मेरे लिए। और अगले सीन पे वो जब हमला करने वाला होता है तभी हमारा सेवन उसके फेस के सामने अपने हाथ रखता है और उसको उस मिरर के अंदर देखने को नहीं देता बिल्कुल भी। और उस टाइम पर हमारा जो डाइबो होता है वो असल में उस बिल्ली को जगा रहा होता है। और उसके बाद वो डाइबो के साथ गाना गाने लगता है। और वो जो गाना सुन के जो हैंडसम किंग था वो बहुत ही शौक रहता है और वो अपनी मेमोरी को बताने लगता है और कहता है कि वो एक लड़की के साथ डेटिंग कर रहा था ऑनलाइन पे। एक दिन वो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि ऑफलाइन में वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे। और उस टाइम पर
वो जो हमारा हैंडसम किंग था बहुत ही खुश था इस बात को लेके, और उस टाइम पर वो लड़की आती है और वो दोनों मिलके अच्छे से मूवी वगैरह देखते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बहुत अलग अलग काम करते हैं, और आखिरी में वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। और उस टाइम पर हैंडसम किंग उसको मैसेज करता है और वो नोटिस करता है कि वो ब्लॉक हो चुका है, और उसके बाद इस चीज़ को देख के बहुत ही रोने लगता है। और अगले सीन में वो बस को देख के भी बहुत ज़्यादा रोता है, और उसके बाद वो बस के पीछे बहुत तेज़ी से भागने लगता है और कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी मत छोड़ो। और उस टाइम पर वो लड़की उसको बिल्कुल भी नहीं देखती और वहाँ से चुपचाप जाने लगती है, और तभी वो बहुत ही दुखी था। और उस टाइम पर उसको समझ में आता है कि वो अगली है, और इसके साथ ही वो सोचता है कि मैं इस दुनिया के सारे लोगों को अगली कर लूँगा। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं जहाँ पर हमारे डाइबो और बाकी सब मिलके उस किंग को पकड़ लेते हैं और उससे सब चीज़ों का सलूशन पूछने लगते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। जहाँ पर किंग कहता है कि असल में यदि दो कपल एक दूसरे को किस करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो सभी लोग ठीक हो चुके थे। और तभी से मैन को समझ में आता है इस दुनिया में एक अच्छा चेहरा कितना मायने रखता है। और अगले सीन में जहाँ पर वो सभी लोग सेबेन को गुड बाई कह रहे होते हैं, और तभी सेबेन कहता है कि मुझे दो बोट की ज़रूरत नहीं, तुम शादी का शगुन मान के एक बोट को तुम रख सकते हो। और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ वो डाइबो और सेबेन एक बोट में वो दोनों जाने लगते हैं, और उस टाइम पर किंग और वो कैट भी उनको देख रहे होते हैं। और अगले सीन में डाइबो सेबेन को गाली दे रहा था क्योंकि सेबेन ने उसको ना लिए ही अपने सफ़र पर निकल गया था। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 13 की ड्रेस का सीन, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सेबेन जो ड्रेस दिया था उसको 13 ने पहना था। और उस टाइम पर वहाँ पर एंट्री होती है 11 की, जो कहने लगती है इस ड्रेस को तो बार्बर ने दिया था ना, क्या तुम उसका वेट कर रही हो, वो तो ऐसे जा चुका है, और क्या उसके साथ डेट पर जाना तुम्हारा मास्टर का ऑर्डर है। और तभी 13 कहती है कि 11 तुम्हें चली क्यों नहीं जाती, जहाँ पर 11 कहती है हाँ मुझे यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है। और वो कहती है कि सारे जो मर्द होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और उसके साथ ही वो कहती है कि वो आखिरी में तुमको बीच ही कहेंगे। और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा डाचून एक्सरसाइज कर रहा होता है, और उस टाइम पर उसके ऊपर आके 11 बैठ जाती है और कहती है कि हैंडसम लड़के तुम बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और उस टाइम पर हमारा डाचून उसको नीचे फेंकते हो, कहने लगता है कि मुझे एक्सरसाइज करना है तुम मेरे बीच में आ रहे हो। और उसके बाद डाचून अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करता है और वो कहने लगता है कि तुम तो असासियन हो, और तभी 11 कहती है कि मुझे पता है तुम कैसे बनोगे। और उसके बाद वो डाचून को बहुत सारे सोने और हीरे जवाहरात दिखाने लगती है, जिसको देखते हुए डाचून उसको एक जोरों से किक करता है और वो कहने लगता है मुझे ये सब नहीं चाहिए। और उसके बाद वो कहता है कि तुमने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है, जिसको देखते हुए हमारी 11 बहुत ही शौक रहती है और कहती है कि इस आदमी के साथ दिक्कत क्या है। और उसके बाद 11 अपनी दुखड़ा कहानी सुनाने लगती है, कैसे उसके मम्मी पापा को बांध के रखा गया है और उसे सब काम ज़बरदस्ती करवाया गया है, और ये सब वो कहने लगती है, जिसको सुनते हुए हमारा डाचून जाके उन सारे पैसों को उठाने लगता है। और तभी 11 सोचती है कि मुझे पता था सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन तभी उस टाइम पर डाचून उसके पास आता है और सारे हीरे जवाहरात उसके हाथ में रखता है, और वो कहने लगता है कि मैं दिन का 150 येन लूँगा, चिंता मत करो मैं तुमसे खाना पानी नहीं लूँगा। इस बात को सुनने के बाद 11 पूरी तरीके से सौग रहती है, और तभी डाचून कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड तो बनूंगा लेकिन हमें जाना कहाँ पर है। और तभी हमारी 11 कहते हैं कि हमें स्वानफू आइलैंड पर जाना पड़ेगा। और उसके बाद हमें दिखाया था वो दोनों ही एक बोट के ऊपर स्वानफू आइलैंड तरफ निकलने लगते हैं, और उस टाइम पर 11 कहते कि हमें इसी जगह से जाना पड़ेगा। और उसके बाद वो दोनों ही पानी के अंदर गोता लगाते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो दोनों एक सीक्रेट रास्ते के जरिए से एक गुफा के अंदर एंटर करते हैं, और उसके बाद हमारी 11 कुछ खाना खाने लगती है एक जगह पर जाके, और उस टाइम पर हमारा डाचून चेक करता है कि कहीं उस खाने के अंदर जहर तो नहीं है, और वो कहता है कि नहीं इस खाने के अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं है। और उसके बाद हमारे 11 के पास एक लड़का आता है और उसका ड्रिंक के लिए ऑफर करता है, जहाँ पर हमारे 11 डाचून के पावर को चेक करने के लिए उससे बदतमीजी से बात करती है, जहाँ पर वो आदमी बहुत ही गुस्से में चला आता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी हमारा डाचून उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इसको देखते हुए वहाँ पर वो आदमी जो था वो डाचून के ऊपर अपने शॉर्ट से हमला करता है, लेकिन डाचून
अपने बॉडी को हार्ड कर लेता है, जिसकी वजह से उसका स्वॉर्ड टूट जाता है। और अगले सीन में उसके सारे दोस्त उसको देख लेते हैं और उसके साथ ही वो दोनों ही डाचून के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तभी हमारा डाचून अपने बॉडी को सख्त करने के साथ ही उनके दोनों के तलवार को तोड़ डालता है। और उसके बाद वो तीनों मिलकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आके उसको चैन से बांध देता है, जिसको देखते हुए हमें दिखाया था वो सभी लोग एक फ्लाइंग सेट का या व्हाइट फ्लाइंग सेट का मेम्बर होते हैं। और जिसको देखते हैं वहां पर 11 वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पीछे और दो बंदे भागने लगते हैं उसको पकड़ने के लिए। और तभी वो दो बंदे उसके ऊपर कुछ चीजों से हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाती। और तभी वो दोनों ही उसको पकड़ लेते हैं और उसको किसी और जगह पर ले जाते हैं। और अगले सीन में जहां पर डाचून बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहा होता है, और तभी वो बंदा डाचून के ऊपर फिर से हमला करने वाला होता है। और तभी डाचून उस हमले से बचते हुए उसके ऊपर हमला करता है, अपनी बॉडी को बहुत ही हार्ड करके एक स्वॉर्ड का सेव देता है और कहता है कि गोल्डन स्वॉर्ड आर्मर। उसके बाद उसके ऊपर हमला करता है, इसकी वजह से उसका जो चेन था वो वहीं पर टूट जाता है। और उसके बाद वो आदमी उसके साथ कॉम्बैट में साथ फाइटिंग करने लगता है, जिसको देखते हुए डाचून उसको बहुत ही आसानी से हरा देता है। और उसके बाद उसके फेस के पास एक पंच रखता है, मतलब उसके फेस के सीधे सामने अपने हाथ को रखता है। और तभी डाचून कहता है कि तुम सच बोलो, 11 को बोलो कहाँ पर ले गए। जहाँ पर इस चीज़ को लिखने के बाद वो आदमी हंसने लगता है और कहता है मैं नहीं बताऊँगा। और अगले सीन में हमारा डाचून गुस्से में आके उसके फेस के ऊपर एक जोरों सा मुक्का जड़ता है। और उसके साथ हमें दिखाया था उसका फेस का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल चेंज हो चुका होता है मुक्का खाने के बाद। और हमें अगले सीन में फ्लाइंग बैट सेट का सीन दिखाया जाता है। उस टाइम पर वहाँ पर 11 को, मतलब 11 को उनके प्रिंस के सामने रखा जाता है और वो कहते हैं कि इस लड़की ने हमारे सीक्रेट बुक को चुराया है। और उसके साथ ही वो दोनों लड़की को मारने लगते हैं। और तभी वहाँ पर हमारे 11 कहते हैं तुम सच में एक कचरा हो। और इसको देखते हुए हमारा जो प्रिंस था वहाँ का बहुत ही गुस्से में चला आता है और उसको कुतिया कहता है। और अगले सीन में जहाँ पर वो कहता है कि हमें किसी भी हालत में इसको मारना पड़ेगा। और अगले सीन में वहाँ पर एक बंदा कहता है कि बाहर एक दूसरा बंदा आ चुका है हमको मारने के लिए। और तभी वहाँ पर डाचून आ चुका था असल में 11 को बचाने के लिए। और तभी वो उस बंदे के ऊपर वो जो बोर्ड या बैनर होता है उसको फेंक के मारता है। और तभी हमारा डाचून एक चीज़ को नोटिस करता है कि असल में उसके प्रोटेक्शन में जो लड़की मतलब 11 थी उसका बहुत ही बुरा हालत था, जिसको देखते हुए डाचून बहुत ही गुस्से में चला आता है। और तभी उसको चारों तरफ से सारे लोग घेर लेते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन उस टाइम पर हमारा डाचून अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लेता है और उसके बाद वो सारे जो लोग थे डाचून के ऊपर हमला करने लगते हैं। और हमला करने के साथ ही दिन से रात हो जाता है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग बहुत ही थक चुके थे डाचून को मारते हुए। और उस टाइम पर डाचून मौका देखते ही एक बंदे के ऊपर जोरदार मुक्का मारता है और उसके साथ ही दूसरा बंदा उसके ऊपर हमला तो करता है, लेकिन तभी उसका जो मतलब हथियार होता है वो टूट जाता है। और अगले सीन में वो सभी लोग फिर से गुस्से में आके डाचून के ऊपर हमला करने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है रात से दिन हो चुका होता है फाइटिंग करते हुए। और तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से डाचून मौका पाते ही दूसरे बंदे को फिर से मारता है। और तभी वहाँ पर फिर से सारे लोग गुस्से में चले आते हैं और फिर से डाचून के ऊपर हमला करने लगते हैं। और तभी एक बंदा डाचून के सिर के ऊपर हमला करता है, जिसको डाचून को चोट लगता है, लेकिन फिर भी डाचून सबसे फाइटिंग कर रहा होता है। और तभी 11 कहती है कि बॉडी को स्ट्रांग करने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपनी एनर्जी और अपनी लिमिट का पता होना चाहिए। और वो कहने लगती है बचपन में मुझे जब कुछ बंदे बुली कर रहे थे मैंने अपने पापा को इस बात को कहा, कि मेरे पापा ने कहा कि उन्होंने मुझे फाइटिंग सिखाया है। और उस टाइम पर वो कहती है कि मुझे फाइटिंग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके जो डैड थे उसको एक ना सुनते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और उसको अकेला छोड़ देते हैं। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर सभी जो लोग थे बहुत ही थक चुके थे और इसी मौके को देखते हुए डाचून एक के बाद एक सभी बंदों को मारने लगता है और उसको हरा देता है। और तभी इस चीज़ को प्रिंस देख के बहुत ही गुस्से में चला आता है और कहते हैं मुझे यहाँ पर फाइटिंग में उतरना पड़ेगा। और तभी डाचून इस बात को सुन के बहुत ही शौक रहता है और कहता है मुझे इस फाइट को जीतना पड़ेगा। और तभी जो प्रिंस होता है वो अपनी पावर को यूज़ करते हुए डाचून के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से डाचून को बहुत ही बुरी तरीके से चोट आ रही होती है। और उसके साथ ही वो प्रिंस डाचून के सिर के ऊपर बस हमला करने वाला था, लेकिन डाचून अपने ट्रिक को यूज करते हुए उस हमले से बच जाता है। और उसके साथ ही वो उस प्रिंस का पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, जिसकी वजह से प्रिंस कहता है तो ठीक है मैं तुमको आसमान में ले जाऊँगा।
और इसके साथ ही वो बहुत तेज से आसमान में उड़ने लगता है। और इसके साथ हमें दिखाया था वो जो नोटिस करता है उसके पैर में डाचून नहीं चिपका हुआ होता है। और तभी हमारा डाचून उसके कैब के साथ उसके पीछे खड़ा था, मैं पीछे उड़ रहा था। और उस टाइम पर डाचून उस प्रिंस के ऊपर अपने सेवन डे लॉक का वो अटैक यूज करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे आके गिरते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डाचून इस फाइट को जीत चुका था और इलेवन को छोड़ दिया जाता है। और तभी इलेवन कहती है, ये लो तुम्हारा सीक्रेट बुक, इस बुक को मैंने नहीं लिया था, तुम्हारे प्रिंस ने ही मुझे ये बुक दिया था। और अगले सीन में जहाँ पर डाचून इलेवन को अपने पेट के ऊपर ले जा रहा होता है और तभी इलेवन उसके साथ कुछ फ्लर्टिंग करने लगती है, जिसको देखते वहाँ पर डाचून कहता है कि बॉडीगार्ड रूल बुक के हिसाब से मैं किसी भी फीमेल क्लाइंट के साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगा। और अगले सीन में जहाँ पर इस चीज़ को सुनते ही इलेवन समझ जाती है। और अगले सीन में डाचून इलेवन को पैसे भी रिफंड देता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं बॉडीगार्ड हूँ लेकिन तुम्हें चोट लगी है मेरी वजह से। और तभी इलेवन कहती है कोई ज़रूरत नहीं, तुम कुछ और क्यों नहीं ट्राई करते जैसे किसी को ट्रेनिंग देना। और इस बात पर डाचून कहते हैं मैं अभी भी बॉडीगार्ड का ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और इसके बाद डाचून कहने लगता है जो कि बॉडीगार्ड रहता है वो एक अम्ब्रेला की तरह होता है, क्योंकि जब बंदों की ज़रूरत पड़ती है तभी हमारा बॉडीगार्ड या अम्ब्रेला काम देता है। इस बात को सुनने के बाद इलेवन थोड़ी सी शॉक रहती है और उस टाइम पर डाचून कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब भी बरसात होगी मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बन के तुम्हारे पास ही रहूँगा। और उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं मेन कैरेक्टर सेवन के बारे में, जो कि फिर से रास्ता भूल चुका होता है स्वानफू आइलैंड का और वो रास्ता भूलकर किसी और आइलैंड पे चला आता है। और तभी एक आदमी कहता है कि असल में इस आइलैंड का नाम है रॉक सॉलिड। और उसके बाद हमारा सेवन आसपास देखता है जहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और तभी सेवन कहता है कि शायद डाचून इसी आइलैंड से होगा। और हमें अगले सीन में दिखाया जाए जहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं चारों तरफ बॉडी बिल्डिंग का जो जोश शोश चढ़ा हुआ था। उसके बाद सेवन एक जगह पर जाकर नूडल्स ऑर्डर करता है और उस टाइम पर एक आदमी चिकन को प्रोटीन पाउडर के साथ खाने लगता है, जिसको देखते हुए सेवन कहता है कि देखो तो वो जो बंदा है कितना मस्कुलर और कितना गुड लुकिंग है। और तभी डाइबो कहता है ये बस दिखने में अच्छे होते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं। इस चीज़ को देखते हुए सारे जो लोग थे वो बहुत ही शौक में चले आते हैं और वो बंदा आसपास का टेबल लेके चला आता है और सारे जो लोग थे वो उससे गुस्से में चले आते हैं। और उसके बाद हमें दिखाते हैं वहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है जिसका मसल बहुत ही तगड़ा होता है और उस टाइम पर वो कहता है कि मैं इस आयरन का सबसे पावरफुल बंदा हूँ और मेरा नाम है बॉबी चेन। और उसके बाद हमें दिखाया था वो बंदा कहते हैं किसने इस बात को कहा है, जहाँ पर हमारे सेवन कहता है असल में उसने इस बात को कहा है। और तभी वो बंदा देखता है कि असल में हमारा डाइबो एक चिकन होता है और वो कहने लगता है कि ये तो एक चिकन है, वो कैसे इस बात को कह सकता है, पक्का तुमने ही इस बात को कहा है। और तभी वहाँ पर अपने डंबल को फेंकता है, इसको देखते हुए सेवन की तो पूरी फट चुकी होती है और वो कहने लगता है चलो एक मैच हो जाए, जो जीता उसकी बात सही होगी। और उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग मैच के लिए इकट्ठे हो चुके होते हैं और उस टाइम पर सेवन कहता है कि ये देखो मैं तो मैच हार ही चुका हूँ। इसको देखते हुए बॉबी कहने लगता है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर तुम्हें मैच लड़ना पड़ता है। और उस टाइम पर वो कहने लगते हैं देखो हमने तुम्हारे चिकन को भी पकड़ के रखा है, यदि तुम मैच को नहीं जीत पाए तो यहाँ पर सारे जो बंदे हैं वो तुम्हारे चिकन को खा जाएंगे। और उस बात को देखते हुए सेवन कहता है यदि मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा। और तभी वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए, और तभी सेवन कहता है मुझे एक बहुत ही पावरफुल बोट चाहिए। और उसके साथ ही वो कहता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे जीत जाओगे। और उसके साथ ही एक कॉम्पिटिशन शुरू होता है जिससे अपने हाथ से कुछ चीज़ों को तोड़ना होता है। और उस टाइम पर हमें दिखाए थे उनके सामने बहुत लंबे लंबे या दीवार खड़े हुए होते हैं और उसके साथ रेफरी कहता है कि तुमको इस दीवार को तोड़ते हुए जाना है। और उस टाइम पर हमारा सेवन बहुत तेज़ से उस दीवार को तोड़ने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन वो अपने हाथों से एक लकड़ी की दीवार को तोड़ता है। लेकिन अगले सीन में जहाँ पर बॉबी अपने हाथों से बहुत तेज़ से दीवार को तोड़ते हुए जाने लगता है और उस टाइम पर सेवन एक लोहे की दीवार के ऊपर अपनी कोहनी से हमला करता है, लेकिन उसका कोहनी जो होता है उस जगह पर चोट लग जाती है। जहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए सेवन कहता है कि मुझे अपने सीजर को यूज करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर रेफरी आता है और कहता है कि ये फिजिकल मैच है, इसमें कोई भी वेपन यूज नहीं हो सकता। और उसके साथ ही हमारा बॉबी बहुत तेज से पंच करते हुए सारी चीज़ों को तोड़ते हुए जाने लगता है, लेकिन हमारे सेवन एक भी मेटल चीज़ को तोड़ भी नहीं पा रहा होता। और उस टाइम पर बॉबी उस मैच को जीत चुका होता है, लेकिन हमारा जो सेवन था उसका तो बहुत ही बुरा हालत हो चुका था। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर रेफरी कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे चेस्ट के ऊपर पत्थर को तोड़ा जाएगा। और तभी हमारा जो अरेना होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठता है
और उसके बाद सेवन कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, मैं इस चीज़ को तो बहुत ही आराम से कर लूँगा। और उसके साथ ही अचानक से उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर का हमला होता है और वो पत्थर सीधे उसकी छाती में जाके लगता है और उसके साथ ही मतलब उसका बहुत ही बुरा हालत हो जाता है। और तभी एक आदमी उसको लिप किस करके सीपीआर देने आता है लेकिन सेवन उसको भगा देता है। और उस टाइम पर दो बंदे असल बॉबी के ऊपर उस पत्थर को फिर फेंकते हैं जहाँ पर बॉबी अपने चेस्ट से उस पत्थर को तोड़ देता है। और उसके साथ ही उसका थर्ड राउंड शुरू होता है जहाँ पर बॉबी उसको समझाने लगता है कि इस राउंड में जो इसको एक ही मौके पे हरा देगा वो इस राउंड को जीत जाएगा। जहाँ पर सेवन कहता है कि मैंने ऐसे बंदे से फाइटिंग की है जिसका बॉडी गोल्डन आर्मर जैसा है, जिसको देखते बॉबी अपने बॉडी को गोल्डन आर्मर बना देता है। और इसको देखते हुए सेवन बहुत ही शौक रहता है और वो कुछ कह भी नहीं पा रहा होता। और उस टाइम पर बॉबी कहता है कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, यहाँ के सारे लोग कर सकते हैं। और उसके साथ ही सारे लोग अपने बॉडी को गोल्डन करने लगते हैं, इसकी वजह से आसपास बहुत ज़्यादा रोशनी होने लगती है। और तभी सेवन कहता है कि ये तो लिटरली यार बहुत ही अनफेयर मैच है। और अगले सीन में बॉबी उसको आगे एक बहुत ज़ोर से मुक्का मारता है। और उसके बाद हमारा बॉबी सेवन से पूछता है कि क्या तुम डाचून की बात कर रहे हो। और तभी है सेवन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो और मैं हम दोनों जिगरी यार हैं, क्या तुम इस बात को लेके इस मैच को यहीं पर बंद कर सकते हो। और तभी सुन के बॉबी उसके मुंह पे और एक मुक्का मारता है और कहता है कि तुम्हें कैसी बात कर रहे हो, मैं और उसका दोस्त उस लूजर का ये तो कभी नहीं हो सकता। और तभी बॉबी कहता है कि वो और डाचून वो दोनों ही मिलकर एक साथ ट्रेनिंग करते थे, लेकिन बॉबी जो था वो ट्रेनिंग में आगे बढ़ता गया लेकिन जो डाचून था वो उसी जगह पर अटक गया था। और जहाँ पर उसका मसल और बॉडी कुछ तो नहीं बन रहा था लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था, मुझे समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके बाद सभी लोग उसको मतलब उसका मजाक उड़ाने लगे थे, जिसको देखते हुए डाचून शायद से एक बहाना करके चला गया कि उसको एक बॉडीगार्ड की जॉब मिल चुकी है। और तभी बॉबी कहते हैं तुमने उसके साथ मिलकर ट्रेनिंग की है तो चलो मुझ पर आके मुक्का मारो। और तभी सेवन कहता है कि डाचून ने दिन रात मेहनत करके ट्रेनिंग की है। और उसके साथ वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ही मुक्के में मार गिराऊंगा। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर बॉबी उसके मुक्के के लिए बिल्कुल तैयार था और कहता है कि आओ मुझ पर मुक्का मारो। और तभी सेवन अपने मौके के लिए बिल्कुल तैयार था। और उसके साथ ही हमारा जो बॉबी था वो अपने बॉडी को गोल्डन शील्ड में बदल देता है, जिसको देखते हुए सेवन सीधे है कि उसकी नाभि में अपने उंगली को डालता है और कहता है कि मुझे ये ट्रिक किसी बंदे ने बताया था। और हमें दिखाए थे क्रिम्सन के साथ जो फाइट हुआ था उसमें क्रिम्सन ने इस ट्रिक के बारे में सेवन को बताया था। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर इस ट्रिक को यूज़ करते हुए बॉबी की जो सारी बॉडी थी वो गायब हो जाती है। और उस टाइम पर हमारे सेवन बॉबी को एक मुक्के पे ही मतलब नीचे गिरा देता है। और उस टाइम पर रेफरी कहता है कि असल में जो बॉबी है वो लगभग हारने के ऊपर है। और तभी इस बात को देखते हुए बॉबी बहुत ही शौक में चला आता है और तभी वो अचानक से कुछ ट्रेनिंग करने लगता है या कुछ पुशअप करने लगता है। और उसके साथ ही बॉबी अपने फिर से बॉडी को अचीव कर लेता है। और उसके साथ ही बॉबी सेवन के ऊपर जंप करता है और जंप करने के साथ ही सेवन के ऊपर एक बहुत जोर सा मुक्का मारता है। और उसके साथ ही अगले सीन में हमें दिखाते हैं सेवन उस मुक्के को रोकने के लिए, उस मुक्के को झेलने के लिए उस मुक्के के सारे इम्पैक्ट को उस फ्लोर पर दे देता है, जिसकी वजह से सेवन कहने लगता है कि तुम्हें डाचून के बारे में कुछ पता ही नहीं है, डाचून दिन और रात मिला के हर टाइम हार्ड वर्किंग करता है। और उसके बाद सेवन अपने सीजर को बुलाता है और उसके साथ ही सेवन बॉबी और अपने बीच में एक हमला करता है जिसको देखते बॉबी पीछे हट जाता है। और तभी सेवन कहता है तुम असल लाइफ में हार चुके हो, जिसको देखते बॉबी कहता है बिल्कुल तुमने सही बात कहा है। और उसके बाद सेवन वहाँ से जाने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर सेवन को स्वानफू आइलैंड का नक्शा दिया जाता है और उसके साथ उस जगह पर एंट्री होती है बॉबी की। और वो कहने लगता है तुमने इस मैच को जीता है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। और वह कहता है कि ये देखो ये दुनिया का नंबर वन मसल गेनिंग प्रोटीन है। और उसके साथ ही हमारा सेवन उस जगह से जाने लगता है। और उस टाइम पर हमारा बॉबी कहता है कि डाचून क्या तुमने सच में मुझे सरपास कर लिया है। और उसके साथ ही वो फिर से उस जगह पर पुशअप करने लगता है और एक्सरसाइज वगैरह करता है। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारे सीजन सेवन सीजन थ्री का पार्ट वन यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सर इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।